कैंसर. किचन एक ऐसी जगह है जहां पे यू कैन मेक योर सिक्स पैक एब. जिम जाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. एंड किचन इज प्रोबेबली द प्लेस वेयर यू कैन गेट सिक एंड यू कैन फाइंड योर ट्रीटमेंट ओवर देयर. सो ये कुछ हैशटैग्स हैं क्योंकि आजकल की जनरेशन वी आर ऑन इंस्टाग्राम. सो आई वुड लाइक यू टू प्लीज वॉच सम ऑफ द ट्रेंडिंग हैशटैग्स. आई एम एंड आई विल. WHO की 2020 की थीम है ये आई एम एंड आई विल. सो वी ऑल हैव टू सपोर्ट दिस कैंपेन. यू आर द हीरो ऑफ द स्टोरी. Then hashtag sunrise, World Cancer Day, Cancer Survivor. Okay, हम लोग जब किचन में, आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पीजी में रहते हैं या अपने लिए खुद खाना बनाते हैं, तो इसीलिए ये सब आपके लिए भी सुनना उतना इंपॉर्टेंट है. घरों में कुछ ऐसे टूल्स यूज किए जाते हैं, यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं विच कैन मेक यू सिक, विच कैन ब्रिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ द कैंसर सेल्स. सेल्स हर एक के बॉडी में होते हैं. कैंसर सेल वो होते हैं जिनकी प्रोलिफरेशन, जिनका मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन अनकंट्रोलेबल होता है, उनको हम लोग कैंसर सेल कहते हैं. सो कुछ ऐसे टूल्स मैं आपको बताऊंगी. आई थिंक यू पीपल शुड जॉट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग घर पे प्लास्टिक की बॉटल्स यूज करते हैं टू हैव सम वाटर. हम लोग फ्रिज में भी रखते हैं समर डेज में, या हम लोग नॉर्मली भी अगर हम लोग टेबल्स पे देखेंगे वी कीप प्लास्टिक बॉटल्स. और इको एनवायरमेंट, आई वॉन्ट यू टू प्लीज बी वॉलंटियर हेयर. आप लोग प्लास्टिक की बॉटल में पानी पीते हैं, जस्ट रेज योर हैंड्स. एयरपोर्ट पे, कोई एयरपोर्ट गया होगा फिलहाल हाल ही में, एयरपोर्ट में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक कैंपेन है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक. आपको पता है प्लास्टिक बैन क्यों है? आपको पता है प्लास्टिक बैन है? हाँ, ओके. सो प्लास्टिक बॉटल्स, कुछ जो बहुत घटिया क्वालिटी की प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उनमें एक कंपाउंड होता है बीपी, आप सबने सुना होगा. बट बिसफिनॉल्स एक केमिकल है जो कि हर एक प्लास्टिक में होता है, और चाहे वो अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक हो, लेकिन वो बार बार गर्म करने से, माइक्रोवेव में जैसे हम गर्म करते हैं, या हम लोग प्लास्टिक का कोई कंटेनर लेते हैं और उसमें हम लोग, हमारे मदर्स या हम लोग क्या करते हैं, गर्म गर्म सूप डालेंगे, गरम गरम खाना डालते हैं, फिर डब्बा पैक करते हैं. तो जितना गरम हम लोग उसको डब्बे में डालते जाएंगे, उतना वो अपना प्लास्टिक केमिकल को छोड़ता जाएगा, चाहे वो प्लास्टिक कितना ही अच्छा क्वालिटी का हो. सो मैंने आपको बताया प्लास्टिक बॉटल्स या टिफिन्स या कंटेनर्स, हम लोगों को प्लास्टिक बहुत कम यूज करना चाहिए, हो सके तो नहीं करना चाहिए. मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होता है, बीपीए होता है, टू बी प्रिसाइज उसमें बिसफिनॉल्स केमिकल होता है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज? हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंसेज आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपके इंक्रीज हो रहे हो, पीसीओडी हो रहा हो, पीसीओएस हो रहा हो, या फिर कैंसर ही क्यों ना हो. तो प्लास्टिक इसके अलावा एक एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन्स भी आपने सुना होगा, हार्मोन होता है, वो इनफर्टिलिटी का एक कॉज होता है. आजकल अगर आप देखेंगे तो फर्टिलिटी में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है. IVF, IUI, ये सब टर्म्स आजकल बहुत सुनने में आई हैं. रीजन इनफर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा है. सो थैंक्स टू दीज प्लास्टिक्स ऑल्सो. सो आज आप टेक अवे ये लेकर जाओगे, मेरे हर एक पॉइंट में यू हैव टू टेक सम टिप विद यू. सो आज के लिए फर्स्ट टिप वुड बी प्लीज अवॉइड प्लास्टिक. सो इंस्टेड व्हाट यू कैन यूज, कैन यू गिव मी सम टिप्स हियर? लेट मी सी हाउ गुड इज सीजी सिलेंडर. सीजी सिलेंडर चंडीगढ़ ग्रुप, राइट? गिव मी अ नेम हियर. ग्लास, यस, ग्लास. कॉपर, स्टील, मिट्टी के बर्तन, यस. सो यू हैव ऑल द ऑप्शंस राइट नाउ हियर. ऑल राइट, सो ये मैंने आपको यहां पे बता दिया था कि आपको अपने जो प्लास्टिक्स हैं उसको स्वॉप करना चाहिए. ऑल राइट, उसके अलावा नॉनस्टिक फ्राई पैन्स हम लोग अपने किचन्स में यूज करते हैं. नॉनस्टिक फ्राई पैन में एक कोटिंग होती है, आप लोग उस कोटिंग को टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, पॉली टेट्रा फ्लूरो एथिलीन, PTFE. ये एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी लेयरिंग की जाती है नॉनस्टिक फ्राई पैन्स में. और हम लोग जनरली क्या करते हैं, नॉनस्टिक फ्राई पैन्स आपको हर दो महीने के बाद चेंज करना चाहिए. आर यू पीपल एक्चुअली डूइंग दिस? आप लोग दो महीने बाद किचन में चेंज करते हो? नहीं,
हम लोग हमारे किचन में क्या करते हैं उसको, हम लोग स्टील जो स्क्रबर्स होते हैं उनसे हम लोग घिस के धोते हैं, उसमें से वो जो केमिकल है लीच आउट होता है और जब हम उसमें खाना गर्म करते हैं वो खाना टॉक्सिक हो जाता है। और आपको आप शायद अल्कोहल ना पीते हो, आप लोग शायद गुटखा ना लेते हो, शायद आप लोग लाइफस्टाइल अच्छा हो, एक्सरसाइज अच्छा करते हो, लेकिन हमारे नॉनस्टिक घर पे जो हम बर्तन यूज करते हैं दे कैन गिव यू कैंसर, दे कैन मेक यू सिक, दे कैन प्रोड्यूस द कार्सिनोजेंस इन आवर बॉडी। सो प्लास्टिक्स एंड नॉनस्टिक फ्राई पैन्स, गॉट इट? नॉनस्टिक फ्राई पैन के अलावा हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? कास्ट आयरन यूज कर सकते हैं, हम लोग मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हैं, कॉपर के बर्तन यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉनस्टिक फ्राई पैन यूज भी करते हैं उसको हम लोगों को चेंज कर देना चाहिए, उसको हमें प्लास्टिक के स्क्रबर से या स्टील के स्क्रबर से नहीं वॉश करना चाहिए। उसके अलावा जो हम लोग नॉनस्टिक फ्राई पैन यूज करते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, लीवर टॉक्सिसिटी, फैटी लीवर या किडनी डिसऑर्डर्स, ये सब चीजें भी होती हैं और ये आपके गट में जाता है। जब लोग हम लोग उसमें खाना गर्म करते हैं वो आपके बॉडी के अंदर जाएगा, गट सिस्टम में जाएगा एंड दैट कैन गिव यू कलोन कैंसर ऑल्सो, राइट? अब एक बहुत I would like you to participate in this thing. आप लोग अपनी रोटी पैक करते हो किस चीज में? अच्छा, आज से पहले क्या आपको पता था, अगर मैं जो भी आपको बताऊंगी, कि एल्यूमिनियम फॉइल कैंसर करते हैं? किसको पता था? जस्ट रेज योर हैंड्स। सो आज सर इन रेड स्वेटर, आप अपनी जो चपाती है वो किस में लेकर आए हो रैप करके? ठीक है, कपड़ा। और किसको पता है यहाँ पे? राइट मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप किस चीज में पैक करते हैं रोटी? एग्जैक्टली, सो दैट्स द थिंग। हमें बटर पेपर आजकल मार्केट में बहुत इजीली एल्यूमिनियम फॉइल से सस्ते बटर पेपर मिलते हैं, आपको उसमें रैप करना चाहिए, क्लॉथ पे रैप कर सकते हैं आप उसको। इसमें कुछ एक टेक्निकल पॉइंट है कि एक WHO ने बोला हुआ है कि 50 mg तक एल्यूमिनियम हमारे बॉडी में जा सकता है, लेकिन जब हम लोग अपने चपाती को रैप करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल में तो हम लोग उस टाइम पर 2-3 ग्राम एल्यूमिनियम अपने बॉडी के अंदर डालते हैं और धीरे धीरे ये करके हम लोगों को कैंसर हो सकता है, ठीक है? ऑलराइट, सो उसके अलावा हमारे घरों में दूध किस में उबालते हैं? एल्यूमिनियम के पतीलों में। सो एल्यूमिनियम के जो बर्तन है अगर हम उसमें कुकिंग करते हैं, बाहर के ऑक्सीजन से मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैंसर करने के लिए इनफ है। सो आप लोगों को अपने घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं यूज करने चाहिए, यू कैन इंस्टेड यूज द स्टेनलेस स्टील। ऑलराइट, इसके अलावा हम लोग आए दिन क्या सुनते हैं, आपको मैंने एक सेगमेंट खत्म कर दिया है यहां पर। एक सेगमेंट पे हमने बताया कि आपको किचन में कौन सा यूटेंसिल्स कैंसर दे सकता है, हम लोग सेकेंड सेगमेंट पे आ रहे हैं, ऐसे कौन से फूड हैं जो आपको कैंसर दे सकते हैं। और सरप्राइजिंगली मैंने इसमें अल्कोहल नहीं लिखा, ठीक है? ऑलराइट, सो कुछ ऐसे फूड हैं जो डेफिनेटली कैंसर करने के लिए ओवर द टाइम पीरियड इनफ है। रिफाइंड ऑयल्स, हम लोग सुनते हैं कि रिफाइंड ऑयल्स बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने ऐसा सुना है? हाँ, रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते, रिफाइंड ऑयल्स में बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, हाई हीट टेम्परेचर में उनको बनाया जाता है, उनकी ट्रांसपेरेंसी करने के लिए ब्लीच भी किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल के नेम लिखे हुए हैं, हेक्सेन, फॉस्फेरिक एसिड, ब्लीचिंग क्लेंजर, कास्टिक सोडा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेक्निकल है टर्म्स, लेकिन ये रिफाइंड ऑयल के प्रोसेस में यूज होती है जो आपको कैंसर प्रोड्यूस करने में बॉडी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। सो इसके जगह पे हमें क्या करना चाहिए? सो इंस्टेड रिफाइंड ऑयल्स व्हाट शुड वी यूज? कोल्ड, यस, सरसों का तेल, एक्सीलेंट, कच्ची घानी का तेल जो हमारे पंजाब की शान है, ठीक है? और वो लोकल है, हमें जरूरी नहीं कि ऑलिव ऑयल यूज करना है, ठीक है? देसी घी हम खा सकते हैं। उसके अलावा हम लोग कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल खा सकते हैं जो साउथ इंडिया में यूज होता है, तिल का तेल ले सकते हैं जो कि कोल्ड प्रेस्ड है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद योर नॉलेज, गुड, राइट, ओके, थैंक यू। सो कोल्ड प्रेस ऑयल मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा हम लोग जब प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं, आप लोग सब अवेयर हैं कि हमें चिप्स नहीं खाने चाहिए, बर्गर्स, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, ये सब चीजों में कैंसरस मटेरियल होता है, इमल्सीफायर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए होते हैं। क्या आपको पता है ब्रेड, बिस्किट, बर्गर, बेकरी की आइटम्स, ये भी आपको कैंसर कर सकती हैं?
हाँ, उसमें ईस्ट है, बेकिंग सोडा है, इमल्सीफायर्स हैं. पहले जो ब्रेड बनती थी उसमें पल्वराइज्ड व्हीट नहीं यूज होता था और अब होता है, ब्लीचिंग एजेंट्स भी डलते हैं. तो चाहे ब्राउन ब्रेड हो, मल्टीग्रेन ब्रेड हो, बेकरी की आइटम आपको नहीं यूज करनी चाहिए. इंस्टेड, जैसे कि अभी यहाँ पर सर ने बोला, हम लोगों को घर का फूड, ट्रेडिशनल होममेड फूड, चाहे वो आपका खाकरा हो, बाजरा की रोटी हो, ज्वार की रोटी हो, रागी का शीरा हो, ब्रेड से बेटर घर की रोटी है. ठीक है. सो अगर आपको कॉलेज में, पीजी में रहते हुए आपको लगता है कि इंस्टेंट मैगी खाना, इंस्टेंट नूडल्स खाना, अगर आप लोग वो करते हैं, जो भी चीज इंस्टेंट है वो इंस्टेंट आपके कैंसर सेल को प्रोलिफरेट करेगी, मल्टीप्लाई करेगी. सो थोड़ा सा हम लोगों को अपने कुकिंग में टाइम डिवोट करना पड़ेगा. ऑल राइट, कैंसर फाइटिंग फूड्स हम लोगों ने सेकेंड सेगमेंट ओवर कर लिया, दिस इज द लास्ट सेगमेंट नाउ. कुछ ऐसे कैंसर फाइटिंग फूड है, पर मैं यहां से आप लोगों की नॉलेज जानना चाहूंगी. क्या आप लोग मुझे कोई एक फूड बताएंगे कैंसर फाइटिंग फूड, जो आपको लगता है आपने अपने दादी नानी से सुना हो? टर्मरिक जिंजर टी, एक्सीलेंट. हु सेड दिस थिंग? वाओ, ग्रेट. एंड फ्रूट्स, बिकॉज दैट हैज एंटीऑक्सीडेंट, दैट हैज विटामिन सी, करेक्ट. What else? Spinach. Yes, perfect. Because it has antioxidant again, and it has phytochemicals which helps in fighting the cancer cells. Broccoli. Yes. Is terminology को, sorry? Beetroot. Excellent. So यहाँ पे मैं कुछ आपको takeaway बताऊँगी. आपको मेडिटेरियन डाइट सुना होगा आपने. मेडिटेरियन डाइट वही कहती है कि कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल हम लोगों को यूज करना चाहिए, और उसके अलावा जितने डाइट आपके कलर्स होंगे, जितना रेनबो कलर का आपका डाइट होगा, जितने ब्राइट कलर के आपके पास वेजिटेबल्स, जैसे कि बीटरूट यहाँ पे बोला, स्पिनच बोला, केल, कोलाड, स्पिनच, पंपकिन, हेलोइन में, हेलोइन सुना होगा सबने, फेस्टिवल फॉरेन कंट्रीज में होता है, वो लोग ब्राइट रेड कलर का पंपकिन यूज करते हैं, वो कैंसर को प्रिवेंट करता है. सो जितने भी आपके ब्राइट कलर के वेजिटेबल्स होंगे, चाहे वो पपाया हो, ऑरेंज हो, जितना भी डार्क कलर है वेजिटेबल का, वो आपको कैंसर से प्रिवेंट करेगा. आपको कुछ कैंसर के टाइप्स पता है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है? आई टेल यू. ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन, प्रोस्टेट, लीवर, कोलोन कैंसर, ये बहुत ज्यादा कॉमन कैंसर्स हैं. उसके अलावा जितना भी हम लोग टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, हम लोग उतने बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि आगे वो ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है. उसके अलावा ग्लूटेन फ्री डाइट्स, मिल्क फ्री डाइट्स, डेरी, क्योंकि आजकल गाय भैंसों के दूध में एक हार्मोन होता है ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि कैंसर भी कर सकता है. तो सब चीजें आपकी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना ज्यादा. प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें, डब्बे वाली चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. मैं आपको यहां पर सिर्फ जाने से पहले, ताकि मैं आप लोगों के मेमोरी में हमेशा रहूं, दो चीजें बताऊंगी. आपको दो रेसिपीज दे रही हूं. अगर आपको, जैसे सर ने बोला, मैं 9 to 5 कोई टी नहीं पीता हूं, सो वैसे ही मैं आपको यहां पर टी का एक रिप्लेसमेंट बताती हूं, टर्मरिक जिंजर टी. आप लोग उसको कैसे बनाओगे? डू यू वॉन्ट टू एक्चुअली लिसन टू दैट? ओके. टर्मरिक जिंजर टी सर्दी में आपको जुकाम, खांसी, इससे भी दूर रखता है. एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी प्रिवेंट करता है, क्लॉटिंग, आर्थरोस्क्लेरोसिस नहीं होने देता है, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल को नहीं डिपॉजिट होने देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को. टर्मरिक जिंजर टी कैसे बनानी है? कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक, कद्दूकस करेंगे, बॉईल करेंगे, काली मिर्ची डालेंगे, नटमेग डालेंगे, थोड़ा सा सिनेमन डालेंगे, और इसको डाल के हम लोग दिन में 2 या 3 बार पिएंगे सर्दी में. अगर गर्मी का टाइम है तो हम सिर्फ एक ही बार पी सकते हैं. तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी देता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी देता है, और ये कैंसर के लिए एक बेस्ट प्रिवेंशन रेसिपी है. यू लाइक दैट? ऑलराइट. सेकेंड रेसिपी, सुपर फास्ट सुपर ग्रीन स्मूदी. आप लोग क्या करें, जैसे कैंसर पेशेंट्स के लिए होता है कि आपको इम्यूनिटी को बिल्डअप करना है, तो हम लोग कहते हैं आप कच्ची चीजें ज्यादा मत इंटेक करिए, क्योंकि कच्ची चीजों में इन्फेक्शन, पेस्टिसाइड्स आप ये सब इंटेक कर सकते हैं. बट इनकेस अगर आप प्रिवेंशन करें, देन यू कैन हैव द रॉ स्मूदी. बट अदरवाइज हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स इतना ज्यादा यूज होता है, तो आप उसको कुक करके लें. आप क्या करेंगे, केल, केल पता है सबको, केल में दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है, लेट मी टेल यू. जीरा में दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है, लेट मी टेल यू. 100 ml दूध में आपको 210 mg कैल्शियम मिलता है, 100 ग्राम जीरा में आपको 1050 mg कैल्शियम मिलता है. राइट. सो नेक्स्ट टाइम आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम मिलता था इसीलिए हमने लिया, चाहे आपको PCOD हो. राइट. सो हॉर्मोन्स वाले दूध से हमें बच के रहना है. सो सेकेंड थिंग इज, एक स्मूदी बता रही हूं. आर यू राइटिंग इट डाउन?
Because otherwise, I'm giving you a recipe here free of cost. Otherwise, I charge 1,000 rupees for my consultation. Let me tell you. Yo. Right. So, organic green coriander. लीव्स, केल, ब्रूजल स्प्राउट्स, अगर आपको लगता है ये कुछ फैंसी टर्म्स है, तो कच्चा धनिया, आपके पालक के कुछ पत्ते, ग्रीन एप्पल, कीवी, आंवला, वीट ग्रास, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना मार्केट में आम मिलता है, ये B6 विटामिन का सोर्स है. आप इन सब चीजों को प्रेशर कुकर में डालिए, उसको 2 सीटी दीजिए, ब्लेंड कर दीजिए, एंड दैट्स योर स्मूदी. आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो, कैंसर से दूर रहना चाहते हो, स्किन के लिए कुछ चाहिए, तो ये स्मूदी आपके डाइट में जरूर होना चाहिए और टर्मरिक जिंजर टी जरूर होना चाहिए. सो दैट वॉज इट, वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प, एंड दैट वॉज मी डायरेक्शन श्रेया. थैंक यू सो मच. बाय बाय.